नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं GDS का सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला YouTube चैनल। आज की जो खबर आ रही है वो आ रही है दोस्तों राजस्थान से। आपको पता होगा यूनियन से खफा होकर हज़ारों GDS ने अपना एक संगठन बना लिया है, राजस्थान GDS संघर्ष समिति, और इसका नाम है राजस्थान GDS संघर्ष समिति, जिन्होंने अब जो है प्लानिंग कर रखी है, एक महासम्मेलन ऑलरेडी कर रखा है। अब जो होने वाला है वो होने वाला है दोस्तों डायरेक्ट मनोज सिन्हा जी से मिलने वाले हैं। 25 GDS की टीम रवाना होगी राजस्थान से, इसी हफ्ते मीटिंग होने वाली है। ये है बड़ी खबर दोस्तों, इसी हफ्ते मिल सकता है उनको इन टाइम और मनोज सिन्हा जी से डायरेक्टली बात करेंगे। इतने दिनों से यूनियन ने जो बातें कही है, किसी ग्रामीण डाक सेवक को पता नहीं है कि क्या बातें हुई है, लेकिन अब सीधा ग्रामीण डाक सेवक जो है मनोज सिन्हा जी से बात करेगा, और उसके बाद बात करने के बाद सीधा इंटरव्यू होगा GDS ऑफिशियल चैनल पर। हमने कुछ देर पहले बात की थी मलिराम स्वामी जी से, जिसकी रिकॉर्डिंग हम आपको अभी सुनाएंगे, और मलिराम जी हमें बताएंगे कि मनोज सिन्हा जी का क्या रवैया है GDS की ज़िंदगी को लेकर। सारी समस्याएं बताई जाएंगी मनोज सिन्हा जी को, सारी समस्याएं, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, सारी चीज़ें हैं जो GDS की लाइफ में गुजरती है, चाहे शोषण हो, कम वेतन हो, या फिर ज़िंदगी चलाना हो, सारी चीज़ें बताई जाएंगी मनोज सिन्हा जी को। क्या उनका रवैया रहेगा हम आप तक पहुँचाएँगे। तो दोस्तों कुछ देर पहले जो हमारी बात हुई है मलिराम स्वामी जी से, उन्होंने क्या क्या बताया है एक बार आप सुन लीजिए। मलिराम जी, अभी क्या प्लान बन रहा है आपका आगे का स्ट्रेटेजी? हमारा प्लानिंग ये है, अभी आज ही प्रधानमंत्री मोदी के आवास पे जाके आया हूँ मैं। जी जी। और हमारा प्लानिंग है राजस्थान से प्रत्येक जिले से हमारे जो पूर्व डिविजन सेक्रेटरी अध्यक्ष है, जो भी कोषाध्यक्ष है जी, उनको साथ ले जाके हमने गाड़ी कर ली है मनोज सिन्हा जी से। हमारी जो समस्या है, एक ही मांग, सूत्री मांग है, ग्रामीण डाक सेवक नियमित किया जाए। ओके। और अति शीघ्र हमारे को, हमारे पूर्ण विश्वास है और आशा है मंत्री जी हमारे को टाइम देंगे, हमारे से मिलेंगे। अच्छा, तो अभी क्या कोई फिक्स हुआ है टाइम, या फिर अभी तक बाकी है? एक दो दिन के लिए टाइम देने के लिए बोल रहे हैं सर। एक दो दिन के अंदर टाइम दे देंगे आप? हाँ बिल्कुल। और हमारे जो नागौर के सांसद और मंत्री जी है सीआर साहब, जी जी, उनसे भी हमारी वार्तालाप चल रही है, वो भी लेंगे टाइम। ओके, तो इस हफ्ते में आपका मीटिंग फिक्स हो जाएगा? हाँ बिल्कुल सर। ओके, तो ये उसके बाद में हमारा द्वितीय महासम्मेलन है, उन्हें भरतपुर में फाइनल कर दिया, महीने के बाद हम तारीख डिसाइड हो जाएगी हमारी भरतपुर में। चलिए, इससे पहले आप मंत्री मिल लेंगे जी। हेलो। हाँ, पांच जिले का संगम भी होगा, पांच जिले के जो डीडीएस है साथी उनको सबको बुलाएंगे, और वहाँ के जो सांसद होते हैं उनको भी हम बुला रहे हैं। ओके ओके। और हमारे को पूर्ण विश्वास है लगभग 3 सांसद वहाँ उपस्थित रहेंगे। ठीक है, इतना आशा है हमारे। ठीक है मलिराम जी, इस तरह से अपडेट देते रहिएगा। ठीक है, हमारे भी आप सहयोग करते रहो ताकि हमारे गरीबों को भला हो सके। जी जी जी, धन्यवाद। ठीक है।